और आप सभी अल्लाह से उन्हें बहुत तवज्जो से सुना था, बहुत मोहब्बत से सुना था। वो इस बरस भी इस महफिल में तशरीफ लाए हैं आपके सामने जनाबे माजिद देवबंदी साहब, जो बहुत ही सीनियर कर्मी हैं, बड़े शाइस्ता अल्फाज पेश कर रहे थे। और आप सभी अल्लाह से उनके इस बात का एहसास नहीं होने लगा कि वो काफी दिनों के बाद इस महफिल में आए हैं। आपने उसके अंदाज से नवाजा, बहरहाल नौजवानों के जज्बे का जवाब नहीं। खुदा का नाम जमाने में सबसे प्यारा है, खुदा के बाद मोहम्मद हमें गुजारा है। नहीं हसैन यहाँ पर मालिक रवती साहब ने जुमला कहा था कि हुसैन किसी कौम के नहीं है, हुसैन तो सच्चे दिल जमाने हैं, हुसैन उसके हैं तो उन्हीं के लिए लिखते हैं। खुदा का नाम जमाने में सबसे प्यारा है, खुदा के बाद मोहम्मद हमें गुजारा है। नहीं है कैद मौलाइयों का भी जज्बा है, नहीं है कैद यहाँ पर किसी भी मजहब की, दरे अली बच्चों आ जाए वो हमारा है। नहीं है कैद यहाँ पर किसी भी मजहब की, दरे अली बच्चों आ जाए वो हमारा है। और मशहूर जमाना शेर है कि दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। सरकार सैयद शहदा ने जो अजीम कुर्बानी पेश की है, जाहिर है कि उसकी तशरीह नामुमकिन है और हो भी नहीं सकती है उसकी तशरीह। आइए, मैंने इतना वक्त आप तक सिर्फ इस वजह से लिया कि जो किसी जरूरत के तहत जा रहे हैं, जिनकी नशिस्तें खाली हो रही हैं, जो हजरात खड़े हैं वो आप में बैठ जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि आप सब हजरात आके यहाँ पर बैठ गए और फिर मजमा उसी तरह से ताज़ा दम नजर आ रहा है जैसे अभी ये मेरा मोहतरम मजमा पक्ष महफिल पर सुनने के लिए बैठा हो। आज खुदा की कसम आपकी अजीब व गरीब आमाद की है शायरी के सिलसिले में, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप हर शेर से अपने मेहमान शायर को भी नवाजते हैं और अपने मेहमान शायर को भी नवाजते हैं। हम तो इसकी जगह आपको नहीं दे सकते, ना शोहरा आपको इसका सिला दे सकते हैं, वही सिला देगी जो मादर सरकार सैयद शोहदा है, जिसे जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वही आपको इसकी जगह देंगी और वही आपको इसका सिला देंगी। हम तो यहाँ पर बैठे हुए शेर पढ़ रहे हैं, मगर आप जो सुनने वाले हैं, आपकी बुलंदी क्या है, आपकी अजमत क्या है, खुदा की कसम बहुत अजीम है आप, बहुत बुलंद है आप। इसलिए कि यहाँ पर बैठ के आप कितने बुलंदी होते हैं, नैयर सिद्दीकी साहब का एक शेर जो आपकी मन मगज में है कि बुलंद होते हैं फर्शे अला पर बैठ के हम, बुलंद होते हैं फर्शे अला पर बैठ के हम, यहाँ फरिश्ते हमें सर उठा के देखते हैं। बुलंद होते हैं फर्शे अला पर बैठ के हम, यहाँ फरिश्ते हमें सर उठा के देखते हैं। ये आपकी अजमत है, यह आपका वकार है। मादर सरकार सैयद शोहदा आपको इसकी जगाए जमाए और आपके इमाम हाजिर की महफिल है, लिहाजा दामाने दिल को फैला के बैठिएगा। इंशाअल्लाह हर मुराद आपकी पूरी होगी। जो बे औलाद होगा उसे औलाद मिलेगी, जो बेघर होगा उसे घर मिलेगा, जो बेघर होगा उसे घर मिलेगा। जिनकी बेटियां अपने घरों में है वो साथ इज्जत के रुखसत होंगी। मैं आपके खिदमत में गुजारिश जरूर करूंगा कि अदब और एहतराम मजबूत के रहना चाहिए, इसलिए कि हमें आप ही ने ये तहजीब सिखाई है बुजुर्गों ने कि जब बड़े बैठे हों तो बहुत अदब से बोलना चाहिए, बड़े एहतराम के साथ उनके साथ बैठना चाहिए। हमारा ये अकीदा है कि हमारी महफिलों में, हमारी मजलिसों में तशरीफ लाते हैं करबला वाले, तशरीफ लाती हैं मासूमा, तशरीफ लाते हैं आले मोहम्मद, तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो जब ये तसव्वुर है कि यहाँ तशरीफ फरमा है तो हमें अदब और एहतराम को मजबूत खातिर रखना चाहिए। खुदा का शुक्र है कि तहजीबें आपसे जिंदा हैं, अदब आपसे जिंदा है, ये सारी चीज़ें आपका मौरूसी दरगाह हैं, आपकी विरासत है। मौला के साय में आप जिंदा और सलामत रहें और उस वक्त तक जिंदा रहें कि जब तक कि आपके इमाम तशरीफ लाएं और उनकी फौज के सिपाहियों में आप जमा हो जाए। तो खुदा की कबूलियत के लिए आवाज बुलंद सलावत अदा करें। नाम मैंने आपकी बारह में पेश किया था, असीर बनारसी साहब, जिन्हें पिछली बार आपने देखा तो ज्यादा था, सुना कम था। इस बार गुजारिश करता हूँ कि सुनिए कर ज्यादा, देखिए करता हूँ। जनाबे असीर बनारसी।